बात करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर की, जिसे लेकर पाकिस्तान की सरकार भी मानने लगी है कि अब पीओके उनके हाथ से निकल चुका है। लेकिन पीओके को लेकर भारत में इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, उनसे डरना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हैं जो हर दिन पीओके को भारत से मिलाने पर संकल्प दोहरा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि पाकिस्तान के पास कोई कश्मीर नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भी पहना देंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। मोदी जी भारत को कश्मीर ला के देगा, यही हमारा संकल्प है। सिर्फ तारीख और समय ही तय होना है जब पीओके से पाकिस्तानी फौज रवाना होने वाली है। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ असिम मुनीर ने लगभग मान लिया है कि अब पीओके उनके गिरफ्त से निकल चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पीओके पर शाह, योगी और हिमंता की गारंटी, क्योंकि भारत की तरफ से आए बयानों के बाद तो पाकिस्तान सरकार की जमीन खिसक चुकी है। 24 घंटे पहले पीओके पर भारत ने 3 बड़े दावे किए हैं और हर बार बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने गारंटी दी है कि पीओके को मिलाने की तारीख लगभग आ चुकी है। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को भारत में मिलाने की गारंटी दी और असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि 400 सीट आते ही पीओके का भारत में मिलना तय है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है, इसको कोई झूठला नहीं सकता। ये आज जो फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तुमको सम्मान करिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का डिमांड न करिए, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश, क्या किसी से डर कर अपने अधिकार जाने देगा? हर दिन पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आंदोलन हो रहा है, लोग खोला हम बोल रहा है कि हमें भारत जाने का इजाजत दो, मतलब आंदोलन शुरू हो चुका है। धमकी देते हैं कांग्रेस के लोग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गुस्सा उन लोगों पर बम की तरह गिरा जो भारत में रहकर पाकिस्तान के परमाणु बम पर इतराते हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसे गरजे कि सीमा पार उनकी हुंकार सुनकर शहबाज एंड कंपनी थर्रा गई। कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उनके पास एटम बम है। तो हमने कहा भी देखो, उनके पास एटम बम है तो क्या हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए बना है क्या? 3 दिन पहले पीएम मोदी इंडी गठबंधन पर गरजे थे। पीएम मोदी ने कहा था कि वो पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। इसके बाद तो पाकिस्तान में भूचाल आ गया। भारत के बयान से पाकिस्तान तिलमिलाया जरूर, लेकिन उसको पता है कि पाकिस्तान में खुद आग लगी है, तो भारत को क्या जवाब देगा? इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भी पहना देंगे। इसे लेकर पाकिस्तान को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान याद आ रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा था पीओके के लिए भारत को जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद पाकिस्तान से अलग होकर भारत में मिल जाएगा। और अब लग रहा है कि पीओके में जो हो रहा है वो अखंड कश्मीर बनने के मिशन का एक ट्रेलर है। पूरी पिक्चर 400 पार के बाद ही रिलीज हो जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और अब रूस के बुलावा मिसाइल खारकीव में तबाही मचा रहे हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन के चीथड़े उड़ने लगे। बुलावा मिसाइल ने खारकीव को चीर डाला।
यूक्रेन जंग को 811 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। जमीन पर रूसी हमलों ने यूक्रेन की चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। पांचवी बार रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद से अचानक रूस के हमले यूक्रेन पर 5 गुना तेजी से हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक 24 फरवरी 2022 के बाद से पहली बार रूस ने इतने भीषण हमले किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तक मान चुके हैं कि इस वक्त खार्किव में रूस के हमले चारों तरफ से हो रहे हैं। रूस के फाइटर जेट और ड्रोन यूक्रेन में घुसकर हमले कर रहे हैं। जमीन पर टैंक, पैदल सेना, तोपखाना और रूसी रॉकेट आर्मी ने यूक्रेनी सैनिकों की कमर तोड़कर रख दी है। हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 48 घंटे में रूस ने समंदर से मौजूद अपनी पनडुब्बी से बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे RSM-56 के नाम से भी जाना जाता है, उससे भीषण हमले किए हैं। हम आपको बताएंगे कि रूस ने खार्किव में कितने इलाके पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए पुतिन ने अपनी बुलावा मिसाइल को कितनी दूरी से यूक्रेन पर हमला करने में इस्तेमाल किया है। रूसी मीडिया के दावों के मुताबिक बुलावा यानी RSM-56 एक ICBM है, जिसे पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप पर हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन पर बुलावा मिसाइल से हमला किया है। लगभग 5600 किलोमीटर दूर से रूसी पनडुब्बी ने एक के बाद एक कई बुलावा मिसाइलें दाग, जिन्होंने यूक्रेन के खार्किव में भारी तबाही मचाई है। ज़ेलेंस्की रूस की बुलावा मिसाइल के हमले से बुरी तरह से घबरा गए हैं। Донеччина, Харківщина, там, де зараз найважче. Він перебуває якраз в ключових місцях боїв, працює. Юкрейн ке Харків ілаке ме іс вакт бішан ладай чал рахі хе. Русі сена не пішле хафте іс ілаке пар хамла кія та. Юкрейн ке рашпати Володимир Зеленський ка саф манна хе, ке унки сена сімавртий ілаке ме аге бад рахі хе. रूसी सेना को रोकने की कोशिश की है और दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग चल रही है। इस बीच यूक्रेन ने खार्किव फ्रंटलाइन के कमांडर को भी बदल दिया है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सेरेस्की ने क्षेत्र की स्थिति को मुश्किल बताया है। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये लड़ाई में कोई निर्णायक मोड़ ले सकती है। इधर यूक्रेन के लुकी यांत्सी और वोवचेंक्स के कुछ इलाकों में रूस के हमले से बचने और यूक्रेनी सैनिकों की बचाने की कोशिश हो रही है। यहां तक कि अमेरिका भी रूस के ताज़ा भीषण हमलों से सन्न रह गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को भरोसा दिलाया है कि यूक्रेन का साथ अमेरिका नहीं छोड़ेगा। Putin is ramping up yet another offensive against Ukraine in Kharkiv and across the east. Sending wave after wave of Russian soldiers, Iranian drones, North Korean artillery, and tanks, missiles, and fighter jets built with machines and parts supplied by China. The War Zone की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का दावा है कि रूस ने पिछले 24 घंटों में खार्किव क्षेत्र के दो हिस्सों में कम से कम 22 हमले किए हैं। खार्किव क्षेत्र के गवर्नर के मुताबिक रूस जानबूझकर छोटे समूहों में हमला कर रहा है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने कम से कम 4 बस्तियों के बाहर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। ये इलाके हैं वेस्ले, नेस्कुचने, वोवचांस्क और लिप्सी। अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस ने यूक्रेन में कहां कहां पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में कई यूक्रेनी पत्रकारों का हवाला देते हुए बताया गया है कि बोरिसिवका, ओहिर सेव,
पिलना और स्ट्रिच लेचा के गांवों को शुक्रवार को 10 मई के दिन रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने प्लेटेनिवका पर भी कब्जा किया है। बुलावा मिसाइल ने खार्किव को चीर डाला, लेकिन रूस ने अब बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करके यूक्रेन की हालत खराब कर दी है। जरा देखिए कितनी खतरनाक है। दावों के मुताबिक बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल की लंबाई 12 से 13.5 मीटर है। इसका वजन 36,000 से 39,000 किलोग्राम के बीच है। ये 5 मिसाइल से 10 MIRV ले जा सकती है। बुलावा को 100 से 160 KT की क्षमता वाली घातक मिसाइल माना जाता है। इसकी अधिकतम रेंज 8300 किलोमीटर है। कुल मिलाकर रूस के नए घातक हमले साफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या रूस के खूनी हमलों से यूक्रेन को अमेरिका बचा पाएगा या नहीं। और यहां वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द, बने रहिए आप।